आपने कहा कि संविदा रूल से फिर आपको नियमितीकरण करेंगे, लेकिन संविदा रूल्स में आपने भर्ती जैसे नियम बढ़ाकर जो 6200 आदमियों को बाहर कर दिया है, तो नियमितीकरण का सपना तो हमें ऐसा लग रहा है जैसे हमारा सपना ही हो जाए। माननीय मुख्यमंत्री जी से पुनर्निवेदन कर देना चाहता हूँ कि आज बीकानेर निदेशालय के आगे हमारा 18वां दिन है और हम कड़कड़ाती सर्दी में रोज यहाँ पर श्रमदान करके, तिरंगा यात्रा निकालकर, अर्धनग्न प्रदर्शन करके, कई तरह के प्रदर्शन करके सरकार का ध्यान आकर्षण कर चुके हैं। बीकानेर निदेशालय से प्रस्ताव बनकर भी जा चुका है। राज्य सरकार ने समय रहते अगर शीतलन सूची जारी नहीं की और ये जो अपात्र बताकर संगठनों में दरार डालने का काम किया, इसको खत्म नहीं किया, तो 2 तारीख को राजस्थान के सारे ही संविदा कर्मी बीकानेर में इकट्ठा होंगे और माननीय बीडी कल्ला साहब के घर पे जाकर बैठेंगे और तब तक नहीं उठेंगे जब तक हमारी समस्याओं का पूर्णतः निदान नहीं होगा। प्रवीण जसरापुर, प्रदेशाध्यक्ष, राजस्थान विद्यार्थी मित्र पंचायत सहायक संघ। आज हमने माननीय पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी की जो मूर्ति है इस पे साफ सफाई करके सरकार को संदेश दिया है कि समय रहते आप चेतिए, नहीं तो आने वाले चुनाव में जिस तरह यहाँ गंदगी का सफाया हो रहा है, जो संविदा कर्मियों का शोषण करने की कोशिश करेगा उसका भी इसी तरह सफाया किया जाएगा।